आइए हजरत, थोड़ी देर के लिए मैं आपको दूसरे माहौल में लेकर के चलता हूँ। हमारे आपके दरमियान संजय सिंह साहब मौजूद हैं, राज्यसभा मेंबर, और साथ ही साथ में हमारे शकील भाई मौजूद हैं। इत्तेफाक से किसी काम से आप हजरात को जाना है। मैं सबसे पहले शकील भाई से कहूँगा कि बस दो तीन जुमलों में अपनी बात पूरी करें, और इसके बाद फिर जनाब संजय साहब भी एक इंतहाई मुख्तसर खिताब करेंगे, और इसके बाद चंद लोगों को शालें उड़ाई जाएंगी। शकील साहब को शाल पेश कर रहे हैं जनाब आरिफ हाशमी साहब। नहीं नहीं, अभी बुलवाएंगे, एक सीरियल कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा सीरियल शुरू। सदर मुशायरा आली जनाब हाजी हारून साहब, और हमारे बीच में, हमारे ही बीच के, जिन पे हम सुल्तानपुर वाले, हम एकजहती की सोच रखने वाले, हम सेकुलर जहन के लोग फख्र कर सकते हैं, ऐसे हमारे बीच का साथी जो दिल्ली में जाके अपना परचम लहराया और आज दिल्ली से राज्यसभा का सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमारे मेहमान खुसूसी हैं जनाब संजय सिंह साहब। हम अपने छोटे भाई कन्वीनर जनाब आरिफ हाशमी साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं, और उन तमाम साथियों को बहुत मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इस महफिल को सजाया। यहां डायस पर बहुत सारे शोहराए कराम मौजूद हैं, ये कोई पॉलिटिकल महफिल नहीं है, ना मुझे कोई पॉलिटिकल तकरीर करनी है। मैं सबका इस्तकबाल करता हूं, मैं अपने आप को मानता हूं कि जो आरिफ हाशमी साहब ने एक कोशिश की और इस महफिल को सजाने के लिए इतने शोहराए कराम को, इतने बेहतरीन लोगों को बुलाया यहां पर, उसका मैं एक हिस्सा, छोटा सा मैं भी एक हिस्सा हूं, और मैं इसलिए बहुत बहुत सबका इस्तकबाल भी करता हूं और सबको मुबारकबाद भी देता हूं कि ये मुशायरा अपने शबाब पर है। मेरे दोस्तों, एक छोटा सा शेर पढ़ देता हूं मैं भी जी। आप उस साहेब की तरफ देखिए, उस बादशाह की तरफ देखिए, और सोचिए जरा कि रहनुमाओं की रहनुमाई पर, आप तसव्वुर करिए अपने दिमाग में उस बादशाह की शक्ल को कि रहनुमाओं की रहनुमाई पर ये फिदा है दुनिया। वाह, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो, रहनुमाओं की रहनुमाई पर फिदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो। और अभी जो दो रिजल्ट आए उस पर ये शेर है कि कैसे आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो जो शेर अभी हमारे बेटे ने पढ़ा, जो एक मैसेज दिया कि यह हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क हुआ करता था, मेरे दोस्तों वो मुल्क दोबारा फिर कायम होगा, और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जितनी उनकी है उतनी हमारी भी है। क्या कहने, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, ये महफिल मुशायरा है, तमाम शोराए कराम यहां बैठे हुए हैं, उनको सुनने के लिए आप आए हुए हैं, और हमारे अजीज दोस्त, हमारे भाई संजय सिंह साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं। शुक्रिया नहीं अदा करता हूं क्योंकि वो हमारे बीच के हैं, लेकिन मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि माननीय संजय सिंह साहब, जो सेकुलर जहन की तकरीर राज्यसभा में आपने 19 मिनट की दिया, उस तकरीर ने वो माहौल बनाया, उस तकरीर ने आपकी हैसियत में वो इजाफा किया कि आज पूरे हिंदुस्तान में संजय सिंह एक सेकुलर जहन का शख्स पैदा हुआ है। राज्यसभा सांसद की कोई हैसियत नहीं है, एक सेकुलर जहन इंसान की हैसियत होती है, और आपकी जो हैसियत आज बनी है वो एक सेकुलर जहन की मजबूत पॉलिटिक्स रखने की, मजबूत इच्छा शक्ति रखने की एक शख्सियत आपकी बनी है, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और आरिफ हाशमी साहब, आपने सबको बुलाया, हम नाचीज को भी बुलाया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।